नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जो विद्यार्थी हैं विद्या अध्ययन कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में अभ्यास कर रहे हैं उन सभी बुद्धिमान विद्यार्थी भाइयों को और बहनों को बड़ों को भी सभी को कुछ बातें जो बड़ी सरल है वो याद रखने जैसी है और क्रियान्वित करने जैसी है। उसमें सबसे पहली बात है कि अपने मन का संतुलन, और दूसरी बात मानसिक स्थैर्य। कईयों की मानसिकता स्थिर नहीं होती है,
मन में एक संतुलितता नहीं होती है। कभी कुछ निर्णय, कभी कोई निर्णय, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कभी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो सादगी, संयम और सदाचार का जीवन जीना चाहिए। कभी फिर किसी का फैशन और दिखावा देखकर उससे प्रभावित हो गए और हम भी ऐसा कुछ करें, ये ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। अपने मन का संतुलन रखें। किसी को देखकर हम सभी को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अपने मन का संतुलन, और वो मन का संतुलन जिसे पाना हो उसको चाहिए कि वाणी का मौन रखे। थोड़ा वाणी का मौन मन के संतुलन में बड़ा सहायक है। जीभ को थोड़ी गोल करके ऊपर तालों में लगा दें। मन का संतुलन बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, संकल्प शक्ति आती जाएगी और विद्या के क्षेत्र में फिर सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी। जहां आप वहां सफलता, जहां हम वहां सिद्धि, जहां हम वहां संपत्ति, जहां हम वहां यश, जहां हम वहां प्रसिद्धि, जहां हम वहां स्वास्थ्य। मन का संतुलन। निश्चय की अडिगता, दृढ़ प्रतिज्ञता, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यतंतश्च दृढ़व्रता। दृढ़व्रती बने, बस अमुक चीज मुझे नहीं खानी है तो नहीं खानी। उसका मतलब ये नहीं कोई कहे कि नहीं नहीं हमने बड़े प्यार से आपके लिए लाए, आप खाओ तो खा ले। नहीं, मन का संतुलन। मुझे संयमी जीवन जीना है तो जीना है, बस बात पूरी हो गई। मुझे अपने वीर्य की रक्षा करनी है तो करनी है, बस मन का संतुलन। कोई भी शक्ति मेरी इस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। मन का संतुलन। दूसरी बात, मानसिक स्थैर्य, मानसिक स्थिरता। हमारी मानसिकता दबी हुई ना हो, हमारी मानसिकता उभरी हुई हो, हमारी मानसिकता खिली हुई हो, फूल की तरह सुगंधित हो। खिले हुए फूल की तरह हमारी मानसिकता खिली हुई होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। और इससे हम अच्छे निर्णय ले सकेंगे। अच्छे निर्णय ले सकेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा कोई भी कार्य करने पर। मानसिक स्थैर्य न होने पर लोग निर्णय ठीक से नहीं ले पाते तो कार्य के बाद परिणाम अच्छा नहीं आता, विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, परसेंटेज जितने चाहते हैं उतने नहीं आते और उस कारण उनको मस्तिष्क की पीड़ा भी बढ़ती है। आजकल मैंने सुना है कई विद्यार्थियों को सिरदर्द की बीमारी होती है। तो जिनको सिरदर्द रहता हो वो क्या करें, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर, तीन उंगलियां सीधी और अपनी जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ी सी बाहर, पहली उंगली अंगूठे के ऊपर अच्छी तरह दबा दें तो जिनको सिरदर्द आदि की तकलीफ होती हो वो मिट जाएगी। सिरदर्द जिनको ज़्यादा रहता हो, परीक्षा के दिनों में पढ़ते समय हो जाता हो और पढ़ न पाते हो, तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें और वाणी का मौन रखें, लाभ होगा। तीसरी बात, हम सभी को याद रखने जैसी, हमारे कल्याण के लिए, विद्यार्थियों चाहे साधक हों बड़े, अनुशासन। बड़ों का अनुशासन, गुरु का अनुशासन, उसमें रहें। अनुशासन को भंग न करें।
सीता जी ने लक्ष्मण रेखा लांघी तो रावण सीता जी को ले जाने में सफल हो गया, है ना। सीता जी जैसी सीता जी, वो भी अगर लक्ष्मण रेखा छोड़ती है तो रावण उनको ले जाने में सफल हो जाता है। इसलिए हम किसी के अनुशासन में रहना सीखें। आजकल के कई बच्चे बच्चियां ऐसे, हमको इन्होंने डांटा क्यों, माँ ने हमको डांटा क्यों, पिता ने हमको डांटा क्यों। अरे डांटा कहा, इसलिए डांटा कि वो हमारी अवनति देख नहीं सकते, इसलिए माँ ने डांट दिया, इसलिए पिताजी ने डांट दिया, वो हमारी अवनति नहीं देख सकते। और आप सोचो, अगर माता पिता बड़े जो बोलते हैं वो अगर गुजर जाएं, उनके शरीर की मृत्यु हो जाए, तो फिर हमको कौन बोलेगा। तो अभी बोलते हैं, कभी टोकते हैं तो अच्छा है, हमारी अवनति न हो, उन्नति हो, उसके लिए बोलते हैं। राम जी तो कहते हैं, भगवान राम, कि मेरे पिताजी अगर कहें तो मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर अपने पिताजी का अनादर मैं कभी नहीं सह सकता और नहीं कर सकता। आजकल तो माता पिता का अपमान करके लड़के लड़कियां भाग जाते, लव मैरिज कर लेते हैं। नहीं, अनुशासन, बड़ों का अनुशासन, उसमें रहें हम। भगवान ने, गुरु ने, शास्त्रों ने जो मर्यादा बनाई है, जो लक्ष्मण रेखा शास्त्रों ने बताई है, उसको कभी भी हम कोई भी लांघे नहीं। अनुशासन में रहना सीखें। अगर पौधा बोले, छोटा सा पौधा, कि मैं जमीन से जुड़ा नहीं रहूंगा, तो क्या वो पेड़ हो पाएगा, बोलो, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नदी बोले कि मैं दो किनारों को छूती हुई नहीं बहूंगी, तो क्या नदी सागर तक पहुंचेगी, बोलो विद्यार्थी, नहीं पहुंचेगी। ऐसे हम बोले कि नहीं, हम किसी का कहा नहीं मानेंगे, हमारे मन में जो आएगा वैसा हम करेंगे, तो हमारा विकास संभव नहीं है। हम क्या हैं ये हम जानते हैं, पर हम क्या हो सकते हैं ये हम नहीं जानते। वास्तव में देखा जाए तो तत्व दृष्टि से हम क्या हैं ये हमको अभी पता नहीं, पर एक व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, मैं अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, है ना, हम क्या है, कौन सी जाति है, कौन सा वर्ण है, हम क्या हैं ये जानते हैं, पर हम क्या हो सकते हैं ये हम नहीं जानते। एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, ये बेचारा बीज नहीं जानता है। ऐसे ही हम क्या हो सकते हैं ये हम जानते नहीं हैं। चाहें तो पता लगा सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो चौथी बात, हमारे विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, हर क्षेत्र में सफलता के लिए, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें सफलता के लिए चौथी बात, धैर्य। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे थे, सीता जी लंका में नीचे बैठी थी, रावण आया और कुछ का कुछ बोलने लगा। हनुमान जी चाहते तो उसी समय पेड़ से छलांग लगाकर रावण का गला दबाकर उसको मार सकते थे, पर हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे रावण के गंदे शब्द। क्यों? हनुमान जी ने सोचा धैर्य जरूरी है, कब क्या करना क्या न करना इसका पता होना चाहिए, और थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए, अधीर नहीं हो जाना चाहिए। कितना धैर्य रखा, नहीं तो सीता जी के लिए रावण अपशब्द बोल रहा है और हनुमान जी सुन रहे हैं। उस समय धैर्य रखा कि अभी नहीं, समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इसको भी पता चल जाए कि कोई मिला था। दूरदृष्टि होनी बहुत हितकारी है, दूर का सोच के परिणाम का ख्याल करके काम करना चाहिए, धैर्य।
आम के पेड़ की कलम काट के हम बोते हैं तो उसी दिन आम खाने को नहीं मिल जाते। आप बताओ विद्यार्थी, आप पहली क्लास से सीधी दसवीं क्लास में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। पहली वाला दूसरी में आएगा, दूसरी कक्षा वाला एक साल के बाद तीसरी क्लास में आएगा, तीसरी क्लास वाला एक साल के बाद चौथी कक्षा में आएगा। ऐसे धीरे धीरे होता है ना। पहली कक्षा का विद्यार्थी बोले कि मैं तो एमए की परीक्षा दूंगा, मुझे एमए करना है, बीए करना है, मुझे एमडी होना है। ऐसे थोड़ी होगा, क्रम से होगा। धैर्य। पांचवी बात, हम सब के विकास के लिए, हमारी सफलता हमें मिले उसके लिए पांचवी बात, दीर्घ प्रयत्न। दीर्घ प्रयत्न माना, समझो किसी विद्यार्थी के अभी 45 या 50 प्रतिशत उसको अंक मिलते हैं परीक्षा के बाद, तो विद्यार्थी निराश ना हो कि अरे मैंने तो बहुत मेहनत की पर मेरे फिर भी 55% आए, 50% मार्क्स आए, मैं तो 75 चाहता था, मैं तो 80% चाहती थी पर मेरे तो 65 आए। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो अगले साल मेरे 85% आएंगे, 95 आएंगे। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। दीर्घ प्रयत्न। जीवन विकास नाम की पुस्तक पढ़ के अपनी सफलता के विषय में कभी भी संदेह न करें। जो भाई जो बहन अपनी सफलता के विषय में संशय करते हैं वो तो ऐसे हैं मानो आसमान में पत्थर उछाल रहे हैं। आप एक बात बताओ विद्यार्थी, कोई आदमी पत्थर लेके आसमान में उछाले तो वो नीचे आएगा कि ऊपर चला जाएगा? नीचे आएगा ना। ऐसे ही जो अपनी सफलता के विषय में संदेह करता है वो निश्चित रूप से विफल ही होता है। इसलिए सफलता के विषय में कभी भी संदेह न करें। छठी बात ये ध्यान में रखें, साम्यवस्था। साम्यवस्था, कभी कोई हमने काम किया और उसमें हमको सफलता नहीं मिली तो विषाद न करें, अरे मैंने तो बड़ी मेहनत की थी पर फिर भी मेरा काम धंधा चला नहीं, मेरे को व्यापार में फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरा पैसा डूब गया, तो विषाद न करें। अवसाद नहीं, अनवसाद। साम्यवस्था, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। साम्यवस्था, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल सफलता तेरे चरण चूमेगी। शांत रहना। घर पे माँ ने डांटा, पिताजी ने डांटा तो विद्यार्थी दुखी मत हो जाना, शांत रहना, कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़ों का अधिकार है बोलने का। विद्यार्थी एक बात बताओगे आप? हाँ, बहने भी, मैं पूछता हूँ तपस्या किसको कहते हैं बोलो, कौन बताएगा तपस्या किसको कहते हैं? एकदम सरल जवाब है इसका, अपने मन के प्रतिकूल कुछ भी हो उसको सह लेना, उसका नाम तपस्या है। आंखें बंद करके जंगल में जाके बैठ जाना उसका नाम तपस्या नहीं। ये मन के प्रतिकूल कुछ भी हो, समझो आपकी मनपसंद सब्जी नहीं बनी, आपको किसी दिन स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, केवल दाल चावल मिल गए, कोई बात नहीं, वाह 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 आनंद है, ये है तपस्या। इसका नाम है साम्यवस्था। कभी बुखार आ गया या तबीयत खराब हो गई थोड़ी तो विचलित ना हो गए, ठीक है तबीयत खराब हुई है, शरीर को कष्ट हुआ है, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत बाकी सब गप सप, इसको बोलते हैं साम्यवस्था। व्यापार में कभी थोड़ा घाटा हो गया या नुकसान हो गया तो भी शांत रहें,
कोई बात नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगा, किस कारण से मेरे को घाटा हुआ, अब वो कारण हटा देंगे, बस इस साम्यवस्था। अरे 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 मेरे को घाटा हो गया, मेरा तो सब कुछ डूब गया, दुखी हो गए, तो क्या होगा? साम्यवस्था। सातवीं बात, हम सब की सफलता के लिए, विद्यार्थी हों चाहे बड़े हों, विद्यार्थिनी बच्चियां हों, कन्याएं हों या कन्याओं की माताएं हों, सबकी सफलता के लिए और सुख पाने के लिए, सातवीं बात, पर अपवाद से विमुख रहें। आजकल लोग पर अपवाद से विमुख नहीं हो पाते, वो उसके सन्मुख हो जाते हैं, इसीलिए अशांति बनी रहती है। पर चर्चा कभी भी सुख नहीं दे सकती, इसलिए गीता में जो भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा के लक्षण बताए उसमें भगवान ने स्वाध्याय जोड़ा है, स्वाध्याय जोड़ा है, पराध्याय नहीं, पर अपवाद विमुखता। कौन क्या करता है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे में कितनी कमियां हैं, फलाने का फलानी से गलत रिलेशन है, फलानी का फलाने से ये है, फलाना ये करता है, फलानी ये खाती है, फलाना ये करता है, क्यों हमारे में कितनी कमियां हैं वो हम देखें, और उन कमियों को दूर करने के लिए हम कुछ करते भी हैं कि नहीं वो देखें, तो बड़ा लाभ होगा, बड़ी उन्नति होगी, सफलता पीछे पीछे घूमेगी परछाई की तरह, यश पीछे पीछे घूमेगा परछाई की तरह, सुविधाएं पीछे पीछे घूमेगी आपकी परछाई की तरह, सुख पीछे पीछे घूमेगा आपको सुखी करने के लिए, शांति पीछे पीछे घूमेगी, फिर आपका हमारा अनुभव होगा, भागती फिरती थी दुनिया जबकि इच्छा करते थे हम, अब जबकि ठुकरा दी तो वो बेकरार पीछे आने को है। पर अपवाद विमुक्ता, इसको बोलते हैं नैतिक जीवन। और नैतिक जीवन अगर जिया जाएगा तो नैतिक बल आध्यात्मिक उन्नति का पृष्ठवंश है। नैतिक बल बहुत जरूरी है। समय मिले तो परचर्चा करने की अपेक्षा जीभ तालों में लगा दो, जप करो, अभी करके देखो, विद्यार्थी और बड़े भी अपनी जीभ को ऊपर तालों में लगा दें, थोड़ा जीभ को यूं गोल किया, ऊपर लगा दिया, होठ बंद, मन में जप करें। जिन्होंने सारस्वती मंत्र लिया है वे बहनें भाई सारस्वती मंत्र जपें, गुरु मंत्र लिया है गुरु मंत्र जपें, दीक्षा नहीं ली है पहली बार आए तो जो आपका इष्ट मंत्र हो वो मन में जपें, पर जीभ तालों में लगा दें अच्छी तरह से। मानसिक स्थिरता बढ़ाने का बढ़िया प्रयोग है ये, मन का संतुलन बनाने का बढ़िया प्रयोग है ये, जीभ तालों में लगा देना। याद शक्ति बढ़ानी है तो बहुत बढ़िया प्रयोग है ये, हाई बीपी और लो बीपी की बीमारियाँ ये प्रयोग अगर कोई रोज करे मिट सकती। मानसिक, जिनको डिप्रेशन की तकलीफ होती है वो ये प्रयोग रोज करें तो वो तकलीफ मिट सकती है, बिल्कुल पक्की बात। मैंने कई बार करके देखा है ये प्रयोग, जब भी कोई ऐसा प्रसंग हो कि आपको टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, तो आप तुरंत जीभ को तालों में लगा दो, तो चिंता के कारण, घबराहट के कारण हमारी मानसिक शक्तियाँ कुंठित नहीं होगी, हृदय कमल खिला रहेगा। आपको यहाँ से रोहिणी जाना हो तो सही रास्ता चुनना पड़ेगा कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम रोहिणी पहुँचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो हम गाजियाबाद पहुँचेंगे, सही रास्ता चुनना पड़ेगा ना। रास्ता गलत चुने और बोले कि अभी तक गाजियाबाद नहीं आया तो कहाँ से आएगा? रास्ता गलत चुने, जाना है रोहिणी और रास्ता पसंद किया करोलबाग का, अरे बोले रोहिणी नहीं आया,
तुमने रास्ता गलत पसंद किया, जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, और बोले अभी तक बद्रीनाथ क्यों नहीं आया, अभी तक बद्रीनाथ कहाँ से आएगा, आप दक्षिण में जा रहे हैं, बद्रीनाथ उत्तर में है। तो हमारे द्वारा चुना गया सही रास्ता ही हमको मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है? तो बोले विद्यार्थी बोलेगा मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, मेरा लक्ष्य मैं बिजनेस कोर्स कर रहा हूँ मुझे बिजनेसमैन बनना है, मेरा लक्ष्य विदेश जाने का, बस स्टडी वीज़ा मिले तो मैं अमेरिका जाऊँ, ये मेरा लक्ष्य है। नहीं नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो पहले से ही निश्चित हो गया है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना। बाकी ठीक, विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये करें, परंतु हमारा लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित है कि नहीं वो देखें। फिर भले आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उद्योगपति बने, जो आपको बनना है, पर मनुष्य जीवन के लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर भी हम ध्यान दें। पहले के ज़माने में विद्यार्थी पढ़ते थे तो पढ़ने के साथ साथ उपासना भी करते थे, ध्यान भी करते थे। अब आजकल पढ़ने के साथ साथ फिल्में भी देखते हैं, सीरियलें देखते हैं, फैशन करते हैं, और भी पहले उपासना करते थे विद्यार्थी, वेद पढ़ते थे, उपनिषदें पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, पर आजकल बोलते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता, हमको समय नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे ध्यान करो, बोले मेरे पास टाइम नहीं है। जप करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सत्संग में आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, जो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है साधना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो आप उसको बोलना आपके पास टाइम नहीं है ना, बोले नहीं है, तो टाइम बताने वाली घड़ी तो है। हाँ, टाइम नहीं है आप बोलते हो, पर टाइम बताने वाली घड़ी तो है। आप जांच करो कि आपका रोज कितना टाइम वेस्ट होता है, आपका कितना समय रोज बेकार में चला जाता है, आप घड़ी में देखो। पहले के ज़माने में लोग घड़ी नहीं पहनते थे, फिर भी समय का सदुपयोग करते थे। आजकल पहनते हैं पर समय बिगाड़ते बहुत है, गपशप में, पार्टियों में, क्लब में, इधर उधर बहुत समय चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने विचारों पर ध्यान दे, क्योंकि विचार ही फिर शब्द बनते हैं, और फिर अपने शब्दों पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो शब्द आपकी क्रिया बन जाएंगे, और फिर अपनी क्रिया पर भी ध्यान दें, क्रिया माने जो हम करते हैं, अपनी क्रिया पर ध्यान दें, वो क्रिया वो कर्म आपकी आदत बन सकता है, और अपनी आदतों पर ध्यान दें, वो आपका चरित्र बन सकता है। सावधान, हाँ, अपने विचारों पर ध्यान दें, पहली बात, विचार आपके शब्द बनेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान दें, शब्द आपकी क्रिया बन जाएंगे, अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें, आपकी क्रिया आपकी आदत बन जाएगी। आपकी आदत पर ध्यान दो, कौन सी आदत है, आपकी आदत आपका चरित्र बन जाएगी। विचार मूल में पहली बात आ जाती है। इसलिए भगवान राम के गुरुदेव की बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सुविचारो महा औषधम। वो सत्संग से संभव है। जीवन रसायन पुस्तक अपने साथ रखें, उसको पढ़ें, बहुत लाभ होगा। विचार शुद्धि होगी तो वाणी की शुद्धि होगी, वाणी की शुद्धि होगी क्रिया की शुद्धि होगी, क्रिया की शुद्धि होगी आदतें अच्छी होगी, बिगड़ी हुई आदतें नहीं होगी। आदत बिगड़ जाएगी, चरित्र बिगड़ जाएगा, चरित्र बिगड़ा, जीवन बिगड़ा। क्यों जीवन बिगाड़ना, किस लिए बिगाड़ना? अपने जीवन को हम सार्थक करें, बिगाड़े क्यों? देखो, अगर कोई विद्यार्थी या बड़े हल्का संग नहीं छोड़ेंगे और सत्संग को महत्व नहीं देंगे ना, तो सज्जनों को भी कुसंग का कुफल भोगना पड़ता है, बड़ा भयंकर। जैसे सूखे पेड़ के साथ गीले पेड़ को भी ताप सहना पड़ता है,
किसी को शंका हो तो बोलो, इसमें सूखा पेड़ जले तो उसके पास गीला पेड़ हो ना तो उसको भी बेचारे को तपन सहनी पड़ती है, वो भी थोड़ा जल जाता है, उसके पत्ते उसकी टहनियाँ जल जाते हैं। ऐसे ही हल्के लोगों के संग से, बुरे लोगों के संग से अच्छे लोगों को भी भोगना पड़ता है उसका बुरा फल। चरित्रहीन लड़कियों के संग से अच्छी भोली भाली सदाचारी बहनों को भी बहुत कुछ भोगना पड़ता है। थोड़ा ध्यान रखें, गीता में भगवान ने क्यों कहा, युक्ता हार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवान ने क्यों कहा गीता में, आप बताओ विद्यार्थी, क्या गीता की बात झूठी है, भगवत गीता के वचन झूठे हैं नहीं, सच्चे हैं ना, हमारे कल्याण के लिए है ना। तो फिर हम गीता पढ़ें और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश करें, युक्ति युक्त आहार करें, बस युक्ति युक्त विहार करें, अपनी रहनी करनी भी हम ऐसी सात्विक बनाएं कि बस कोई दूसरा देखे तो उसका भी मन पवित्र हो जाए। ऐसी वेशभूषा ना पहनी जाए कि कोई दूसरा देखे तो उसके मन में वासना का गंदा विचार आ जाए। ऐसी वेशभूषा, ऐसे कपड़े पहने जाएं कि कोई देखे तो उसका दिल भी पवित्र हो जाए। बचपन को संवार लें जैसे ध्रुव ने संवारा, जवानी को संवार लें जैसे विवेकानंद ने संवारा। बचपन यूं ही ना बीते खेल कूद में, भज नारायण नारायण भज मूड मते, शंकराचार्य जी ने कहा, आदि जगत गुरु। भज नारायण नारायण भज मूड मते, भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूड मते, भज नारायण नारायण भज मूड मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते, भज गोविंदम भज नारायण नारायण भज मूड मते, भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूड मते। एक बूढ़े दादा थे, वो हाथ में लकड़ी रखकर कमर से झुककर जा रहे थे, 85 साल उम्र थी। कॉलेज के कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा। उसकी मजाक उड़ा रहे थे बूढ़े दादा की, कमर से झुककर जा रहे थे ना, ये धनुष बाण कितने में खरीदा। बूढ़े दादा ने कहा कि बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े वर्षों के बाद तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम जवानी खराब कर रहे हो। बाल वयस सब खेल गंवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान, बाल वयस सब खेल गंवाई, तब बचपन खेल कूद में बिता दिया, पता ही नहीं था कि ध्रुव की तरह 5 साल की उम्र में भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, पता नहीं था। ध्रुव को नारद जी गुरु मिले, काम बन गया, हमको बापू जी मिले हैं। तो हमारा ये बचपन ये जवानी यूं ही न जाए। बाल वयस सब खेल गवाई, तब तो रहा नहीं कुछ ज्ञान,
मादकता में केवल तरुणी का मान, युवावस्था में वृद्ध भये तब रात दिवस है नाना चिंताओं का गान। वृद्ध भये तब रात दिवस है नाना चिंताओं का गान। दुर्लभ मानव तन पा करके किया न परमेश्वर का गान। दुर्लभ मानव तन पा करके ज्ञान परमेश्वर का गान। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़ मते। भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़ मते। तो विद्यार्थी ध्यान दें, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे जीवन में कदम कदम पे हमको सफलता मिले उसके लिए। सातवीं बात हमने सुनी थी, ध्यान है ना, पर अपवाद विमुक्ता। सातवीं बात, और उसके लिए वाक संयम जरूरी है। वाक संयम जिसके जीवन में, वाणी का बोलने का वाक संयम जिसके जीवन में होगा, वो व्यक्ति इस सातवें सदगुण को अपने जीवन में ला सकेगा। नीति शास्त्रों में आया है, वचस तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम। वचन का उपयोग वहीं करना चाहिए जहां उसका कुछ फल निकले। वाणी का उपयोग वहीं करना चाहिए जहां हमारे बोलने का कुछ फल उगे, कुछ फल निकले। ऐसे ही वृथा बकवास करते रहे क्या फायदा। नीति शास्त्र कहते हैं वचस तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम स्थाई भरति चात्यंतम रागः शुक्ल पटे तथा। जैसे सफेद कपड़े पर ही रंग पक्का बैठ जाता है, ऐसे वाणी का उपयोग वहीं करें उसका कुछ फल निकले। ऐसे फालतू बोलते रहना, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ऐसा क्यों, ये क्यों, उसने क्या किया, वो क्या कह रहा था मेरे बारे में। शांति, इससे क्या होगा, वाक संयम से मन का संतुलन बनेगा, मानसिक स्थैर्य बढ़ेगा और हमारा आंतरिक सामर्थ्य बढ़ेगा। तो नीति शास्त्र कहते हैं को अति भारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सविद्यानाम क परः प्रियवादिनाम। समर्थों के लिए बहुत भारी बोझ क्या, किसी के पास खूब ताकत है तो उसके लिए कितना भी बोझ हो, भार हो, उसके लिए उठाना सरल है, सहज है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, कितना भी वजन उठा लेगा। को अति भारः समर्थानाम, वाक संयम। विद्यार्थी भाई बहने, हम वाणी का संयम रखेंगे ना तो मन का संयम भी बढ़ेगा, फिर कोई भी कठिन कार्य हो हमारे द्वारा संपन्न हो जाएगा। विद्वानों के लिए विदेश क्या, व्यापारी के लिए दूरी क्या। व्यापारी को व्यापार करना है तो आप देखते हैं कई लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में कहां कहां जाते हैं, मद्रास जाते हैं, चेन्नई, कलकत्ता जाते हैं, इधर जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, बंगाल, कहां कहां जाते हैं, कितना कितना श्रम करते हैं। व्यापारी के लिए कौन सा स्थान दूर, विद्वान के लिए विदेश क्या, और मीठे वचन बोलने वाले के लिए पराया कौन। सब उसके अपने हो जाते हैं, वशीकरण मंत्र प्रेम को।
जो मीठे वचन बोले। मीठे वचन माने वो पॉल्सन वाले नहीं, हृदय में संवेदनशीलता हो, सबके प्रति सहानुभूति की भावना हो। और अपने जीवन का मूल्य समझता हो। एक सेठ जी थे, शिमला गए थे, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी रास्ते, टैक्सी लेकर गए थे, लौट रहे थे तो ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के, और गाड़ी तेजी से भागी जा रही है। सेठ ने कहा, ड्राइवर इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, क्या बात है? बोले, सेठ जी ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या बात करते हो? बोले, हाँ ब्रेक फेल हो गए। तो बोले, काम कर जल्दी, पहले मीटर बंद कर दे। अरे बोले, पूरी गाड़ी खाई में गिरने वाली है। बोले, गाड़ी भले खाई में गिरे, गाड़ी मेरे बाप की थोड़ी है, गाड़ी तेरी है, तू जाने, तेरी गाड़ी जाने, पर मेरा मीटर बंद कर, मेरे पैसे बढ़ने नहीं चाहिए, मीटर बंद कर। अब पूरा जीवन बिगड़ रहा है और इसको कुछ रुपयों की पड़ी है। ऐसे ही लोग अपना पूरा जीवन दाव पे लगा के बस कुछ रुपए इकट्ठे करने में ही लग जाते, कुछ चीज़ें इकट्ठी करने में लग जाते, जिंदगी बीत जाती, जीवन पूरा हो जाता है। इससे तो वो साधक अच्छे, वो सत्संगी विद्यार्थी अच्छे, जो गुरु से वैदिक मंत्र लेकर उसका जप करते हैं, सच्ची विद्या गुरु चरणों में बैठ कर पाते हैं, जिसको भगवान ने कहा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये विद्या सब विद्याओं में राजा विद्या है, इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं है विद्यार्थी, जो पाने के लिए आज हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसको भगवान ने कहा राज विद्या राज गुह्यम। विद्यार्थी एक काम और करें, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक साधना शुरू कर दो, एक तो जीभ को तालों में लगा के रखने की, और दूसरी साधना 40 मिनट तक रोज एक टक गुरुजी के चित्र को देखें, फिर आंख बंद करके दोनों हाथ, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, हाथ गोद में रख दें ऐसे, और ऐसी भावना करना कि मेरी शक्ति चौथा केंद्र जो हृदय में है, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, मेरी शक्ति अनाहत चक्र से विशुद्धाख्य चक्र की ओर बढ़ रही है, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र की ओर, आज्ञा चक्र से सहस्त्रसार की ओर। और इसके लिए कभी कभी श्वास को एकदम बाहर निकाल के पेट अंदर की ओर खींचें, और कभी कभी मन की आंखों के सामने ऐसी भावना करें कि गुरुदेव सामने खड़े हैं, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, हम उनसे दूर नहीं, वो कृपा सिंधु हमसे दूर नहीं। और कभी अगर गुरुदेव आंखों के आगे से ओझल हों, मन की आंखों के आगे से, तो हम उनको प्रार्थना करें, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, क्षणम तिष्ठ। भक्ति माता कहती है नारद जी को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो आप जरा रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंताम अपि नाशय, आप रुको, आपके रुकने से मेरी चिंता नष्ट हो रही है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, आपके दर्शन के आलोक में मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, आप रुक जाइए। तो हम भी उनको कहें, मन की आंखों के आगे उनको रखें, अगर वो ओझल हो तो उनको प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं।
करे दर्शन तुम्हारा हम अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, करे दर्शन तुम्हारा हम अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। ये मतलब की है सब दुनिया हमें भरमाएगी, हमें भरमाएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तिराएगी, खुद ही तिराएगी। तेरी रहमत हमको गुरुवर खुद ही तिराएगी, खुद ही तिराएगी। यूं हमसे दूर ना जाओ अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। यूं हमसे दूर ना जाओ अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही प्रार्थना करेंगे तो हृदय भर जाएगा उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। थोड़ा जरूरी नहीं है शब्द यही बोलना, जो अपने हृदय के भाव भरे शब्दों, गुरु भगवान शब्दों को नहीं देखते, हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। और विद्यार्थी आप ध्यान से सुनना, आप विद्यार्थी मातृभूमि की भावी आशा हो। ये हमारी जो मातृभूमि है भारत माता, इस मातृभूमि की आप भावी आशा हो। और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे पवित्र विद्यार्थी भाई बहनों के सामने मुझे शब्दों के माध्यम से आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे पवित्र आत्मा विद्यार्थी भाई, पवित्र आत्मा विद्यार्थिनी बहनें यहाँ पर बैठी और उनके समक्ष मुझे थोड़ी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को भारत के भविष्य का संरक्षक मानता हूं। आप विद्यार्थी हमारे भारत के भविष्य के संरक्षक हैं और आने वाली पीढ़ियों की उन्नति और कल्याण आप जैसे पवित्र आत्मा विद्यार्थी भाई बहनों पर निर्भर है। तो इन सद्गुणों को हम धारण करें। आठवां है जनमत के प्रति उदासीनता। साथ सुन गए थे, आठवां जनमत के प्रति उदासीनता, माने लोग क्या बोलते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते हैं समझो, और हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, मौन रखते हैं, फिल्म नहीं देखते, फैशन नहीं करते, तो लोग और कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियां या कोई कुछ बोले तो उनकी बातों के तरफ ध्यान न दें, भले बोलें क्या है, अच्छा है, हमारी भक्ति और पुष्ट होगी। जनमत के प्रति उदासीनता, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। मीरा को लोग नहीं बोलते थे, शबरी को लोग नहीं बोलते थे, उदासीनता। गतव्यथा। और नौवां सद्गुण हम सब के लिए, हम सब की सफलता के लिए, अलोलुपता। किसी भी वस्तु के प्रति मन में लोभ नहीं कि ये मेरे को मिले तो ही मजा आए, नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसी अलोलुपता। मुझे चाहिए तो बस मुझे भक्ति कैसे मिले, मेरा ज्ञान कैसे बढ़े, मेरा वैराग्य दृढ़ कैसे हो,
विरक्ति। प्रहलाद के जीवन में कैसी विरक्ति थी, राज सुख में, वैभव में, भोगों में रुचि नहीं थी, अपितु भगवान के नाम जप में रुचि थी। हम भी अपना नाम जप जितना हो सके खूब बढ़ाएं। 12 साल का एक विद्यार्थी, महाराष्ट्र में रहने वाला, एक दिन उसने सत्संग में सुना कि जीवन में कोई सदगुरु तो होने ही चाहिए, जीवन में कोई गुरु चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जीवन में कोई सदगुरु का साथ जरूरी है। सुना उसने सत्संग में, 12 साल का विद्यार्थी, माता पिता गुजर चुके थे, दादा दादी उसका पालन पोषण करते थे। उसने सोचा कि मैं कैसे सच्चे सदगुरु का पता लगाऊं, कौन है, किसकी शरण में मैं जाऊं। पता लगाया तो पता चला महाराष्ट्र में देवगढ़ के राजा साहब के यहां जो दीवान हैं उनका नाम जनार्दन स्वामी है। वो सच्चे संत हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, जनार्दन स्वामी। अब हुआ कि देवगढ़ तो बहुत दूर है, कैसे जाऊं, उम्र छोटी है, परंतु अंदर में जो भावना थी, जो लगन थी, जो तड़प थी, उसने बहुत विराट रूप ले लिया था। उस विद्यार्थी ने सोचा कि संसार के भोग मुझे क्या सुख देंगे, पानी में खींची हुई लकीर कब तक टिकेगी, रेती का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा, घास के तिनके और पेड़ के पत्तों का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा, प्लास्टिक के फूलों से सुगंध कैसे आएगी, संसार के भोग मुझे क्या दे देंगे, संपत्ति मुझे क्या दे देगी। उस 12 साल के विद्यार्थी का वैराग्य जगा, कुछ भी हो मुझे अब मेरे गुरु जनार्दन स्वामी के पास जाना है। कैसे जाऊं, रोज विचार करते वो। एक रात को तीव्र तड़प ने सोने नहीं दिया। याद आ रही थी गुरुदेव की, मैं जाऊं मेरे गुरुजी के पास। हृदय भराया, आंखें आंसुओं से भराई, मैं जाऊं बस, मुझे जाना है। 10 बजे, 11 बजे, नींद नहीं आ रही, गुरु की याद में बारह बज गए। धीरे से दरवाजा खोल कर देखा पास वाले कमरे का कि दादा और दादी सो गए, गहरी नींद है। हाथ जोड़े दादा दादी को प्रणाम किया दूर से ही। घर का मुख्य दरवाजा खोला, धीरे से बंद कर दिया, फिर दादा दादी को प्रणाम किया और भागा। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा देवगढ़ के तरफ। रास्ते में जंगल था, पैर में चप्पल नहीं पहनी थी, साथ में पैसे नहीं लिए थे, पर हृदय में प्रेम जरूर था, श्रद्धा की संपत्ति दिल में जरूर थी। भागा जा रहा है, 2 बज गए, भागते भागते रुका नहीं, भागा जा रहा है कि रुकूंगा तो कहीं दादा दादी
कोई आदमी भेज के मेरे को पकड़वा ना ले। मैं जाऊं, मुझे मेरे गुरु के पास जाना है। 12 साल के बच्चे की कैसी तड़प, कैसी लगन। सुबह के 5:30 बज गए, उजाला हो गया, सूर्योदय होने की तैयारी थी। रास्ते में एक नदी पड़ी, पैरों में कांटे चुभे थे, खून की धारा बह रही थी, हृदय से भावों की धारा बह रही थी और आंख से आंसुओं की धारा बह रही थी। अब उससे चला न गया, बैठ गया। और वो बालक 12 साल का पैर में गड़े हुए कांटे निकालने लगा। पीड़ा हो रही थी पर फिर भी लगन थी कि मुझे मेरे गुरुजी के पास जाना है। कुछ भी हो, एक हाथ से खून पहुंचता जा रहा था और एक हाथ से आंसू पहुंचता जा रहा था। इतने में एक घोड़े सवार यात्री अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे आए। घोड़े को पानी पिलाया, बच्चे के रोने की आवाज सुनी, मुड़कर देखा, पूछा, बेटे कौन हो तुम, कहां जाना चाहते हो, क्यों रो रहे हो बेटे? लड़के ने कहा, मैं देवगढ़ के राजा साहब के यहां जो दीवान है वो जनार्दन स्वामी उनका नाम है, वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। यात्री चौंके, जनार्दन स्वामी? बोले हाँ। वो तुम्हारे गुरु हैं? बोले हाँ। पर बेटा हमने तो सुना है जनार्दन स्वामी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, क्या तुमको उन्होंने बनाया? तब बच्चे की आंख से फिर आंसू निकले। बच्चा बोला, नहीं मुझे उन्होंने शिष्य नहीं बनाया है, परंतु मैं उनको गुरु मान चुका हूं, वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे तारणहार हैं, वो साक्षात ईश्वर का रूप है। तब यात्री ने कहा, बेटे तू तो अभी बच्चा है, जा बेटे घर चला जा, तेरे दादा दादी तुझे ढूंढते होंगे, जा बेटे घर जा। तब वो बालक कहने लगा कि ए मार्ग के मीत, आप मुझे घर जाने को न कहो, मेहरबानी करके आप तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो, बस मैं मेरे गुरुदेव तक पहुंच जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, बस मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन करने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भगवान के नाते, परमेश्वर के नाते, मुझे घर लौटने को मत कहो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं मेरे गुरु तक पहुंच जाऊं, बस। यात्री उस बालक का अदम्य उत्साह देखकर, बालक की अटूट लगन देखकर, बालक की श्रद्धा देखकर, बालक के हृदय का भाव देखकर, वो यात्री बालक के भाव की नदी के वेग में बह गया। यात्री ने फिर कहा, बेटे ठीक है
तू तेरे गुरु के पास पहुंच जा। पर बेटे तुझे जाना ही था तो कोई सवारी ले लेता, घोड़ा, कुछ बैलगाड़ी, कम से कम पैर में जूते तो पहन लिए होते बेटे। तब वो बालक कहता है कि अगर मैं जूते पहनने जाता तो शायद दादा दादी की नींद खुल जाती और वो मेरे को जाने नहीं देते, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, भले कांटे लगे पर मेरे गुरुजी के दर्शन तो मुझे हो जाएंगे, भले शरीर का खून निकल जाए पर मेरे हृदय से मेरे गुरु का प्यार न जाए, मेरे हृदय से भक्ति न जाए, मेरे हृदय से श्रद्धा न जाए। यात्री ने बालक के सिर पर हाथ रखा। अब तो इस घोड़े सवार की आंख में भी आंसू आ गए और उन्होंने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटे मेरा आशीर्वाद है, अगर ऐसी ही तेरी श्रद्धा अपने गुरुजी के प्रति रही, अगर ऐसा ही प्यार तेरा अपने गुरुजी के चरणों के लिए रहा तो बेटे मेरा दिल से आशीर्वाद है कि तू तर जाएगा पर औरों को भी तारने वाला बनेगा। बेटे मेरा आशीर्वाद है तेरे को, तू जरूर तेरे गुरु के पास पहुंच जाएगा। घोड़े सवार घोड़े पर बैठकर चले गए। बालक ने हाथ जोड़े, बस थोड़ा सा दो घूंट पानी पिया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, प्रणाम करके बच्चा कहता है सूर्यदेव आप तो बाहर का उजाला करते हो पर मेरे गुरुदेव भीतर उजाला करते हैं, ऐसे गुरुजी के पास मैं जा रहा हूं। बालक ने फिर भागना शुरू किया। भागते 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 शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया, बालक देवगढ़ पहुंच गया। बाहर से अब पहुंचा पर भीतर से तो कब का पहुंच गया था, पता लगाया जनार्दन स्वामी कहां रहते। जगह जगह पूछते पूछते वो बालक जनार्दन स्वामी के निवास के बाहर तक पहुंच गया। देखा ये मेरे गुरुदेव का निवास स्थान है, दंडवत प्रणाम किया कि जहां मेरे गुरुदेव निवास करते हो उस भूमि को प्रणाम है, ये मेरे गुरुदेव का निवास स्थान है। अंधेरा हो चुका था, घर का दरवाजा खुला था, बच्चा अंदर गया, चिमनी जल रही थी, जनार्दन स्वामी सिर नीचा किए हुए कुछ लिख रहे थे। घर के एक व्यक्ति से बालक ने पूछा जनार्दन स्वामी यही है, बोले हां यही है। बच्चा हाथ जोड़े खड़ा रहा। मन ही मन वो बच्चा प्रार्थना करने लगा कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। जनार्दन स्वामी लिखते जा रहे हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना कृपा बनाए रखना। कितना 12 साल का वो बच्चा, मैं तो उसको प्रणाम करता हूं, 12 साल की उम्र में कैसी लगन। हाथ जोड़े खड़ा है, इतने में
जनार्दन स्वामी का लिखने का काम पूरा हुआ और कलम रखकर जनार्दन स्वामी ने ज्यों ही अपना सिर ऊंचा उठाया, बालक पर नजर पड़ी। बालक की नजर जनार्दन स्वामी पर पड़ी। बालक ठगासा रह गया कि अरे ये तो वही जो मुझे सुबह रास्ते में नदी किनारे मिले थे, क्या यही जनार्दन स्वामी है? पता चला हां यही जनार्दन स्वामी है। बच्चा गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी को कहने लगा, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम तो तुम्हारे बालक सर पे हाथ रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। बालक हाथ जोड़े कहता है, गुरुदेव माफ करना, दर्शन तो आपके सुबह हुए थे पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरुजी अगर उस समय कोई अनजाने में ऐसा शब्द कह दिया हो मुझे माफ करना गुरुदेव, पर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो कि मैं आपका शिष्य बन पाऊं सच्चा और पक्का। जनार्दन स्वामी ने कहा, नहीं बेटे मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, तू घर चला जा बेटे, जा मेरा आशीर्वाद है घर जा। बोले नहीं, तुम ही हो हमको गुरुवर, प्राणों से भी प्यारे, तुम ही हो हम चरणों में अपने रखना, चरणों में अपने रखना, तुम ही तो हो प्रतिपालक अपना बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। जनार्दन स्वामी ने फिर कहा, नहीं बेटे तू घर जा। बोले नहीं, आपने सुबह आशीर्वाद दिया था मुझे, वो आशीर्वाद सत्य होने दीजिए गुरुदेव, मुझे आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। गुरुदेव मैं तो आम खाना चाहता हूं, संसार तो बबूल के पेड़ की तरह है, वहां मुझे कांटे मिलेंगे, आम कैसे मिलेगा? गुरुदेव दुनिया के भोगों ने, दुनिया की सुविधाओं ने किसको सुख दिया जो मुझे देगी? मुझे उसमें नहीं फंसना गुरुदेव, मुझे तो आपके चरणों में रहना है बस, मुझे तो आपके सुमिरन में अपना जीवन सार्थक करना। जनार्दन स्वामी देख रहे थे बालक की दृढ़ श्रद्धा को। बालक फिर कहता है, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल ध्याए, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर
तुम क्या है? नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। हम हैं शरण में तुम्हारी, प्रेमी बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। जनार्दन स्वामी, बालक की दृढ़ निश्चयता देखकर बड़े गदगद हो रहे थे कि कितनी इसकी भावना है कि अपने गुरु से दूर नहीं जाना चाहता है। और अभी तो आज पहली मुलाकात है, हृदय से तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे गुरुदेव, परंतु बाहर से फिर कसौटी लेते। बेटे तू अभी छोटा है, तेरी उम्र छोटी है, तू लौट जा। बोले नहीं गुरुजी, मुझे नहीं जाना है, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है, बस आशीर्वाद दो वो बढ़ती जाए। बस सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, नाता बनाए रखना, नाता बनाए रखना। श्वासों की फेरे माला, भक्ति जगाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। जनार्दन स्वामी ने देखा कि अब तो हद हो गई, अब इस प्यारे बच्चे की ज्यादा कसौटी करना ठीक नहीं है। उन्होंने उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया और दीक्षा दे दी, उसको अपने ही चरणों में रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी। और फिर उसने प्रार्थना की अपने गुरुदेव को, क्या प्रार्थना की? जो प्रेम था, जिस प्रेम के वश खिंचा हुआ अपने गुरु के पास आया था, प्रार्थना करता है बस ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जैसे एक बीज पूरी पृथ्वी को हरा भरा करने में सक्षम है, भले थोड़ा समय लगे, आग की एक चिंगारी बहुत कुछ जलाकर नष्ट करने में सक्षम है, रोग का एक कीटाणु महामारी के रूप में प्रकट हो सकता है, एक छोटा सा परमाणु उसमें कितनी शक्ति कि हिरोशिमा पर गिरे तो 1,20,000 लोगों को मार डाले। देख परमाणु में इतनी शक्ति, एक छोटा सा आंख का तिल कितना छोटा होता है पूरी दुनिया दिखा देता है, आंख का तिल कितना छोटा होता है पर जीवन को प्रकाशमय बनाने की क्षमता रखता है। एक शून्य जीरो, एक शून्य भी किसी संख्या के महत्व को 10 गुना बढ़ा देता है। एक के आगे लगा दो शून्य जीरो 10, एक और शून्य लगा दो तो 100 गुना 10 गुना बढ़ा देता है ना। एक के आगे शून्य लगाओ तो 1 10 हो गए, और एक शून्य लगा दो तो 100 हो गए, और एक शून्य लगा दो
1000 हो गए और शून्य लगा तो 10,000। एक शून्य भी किसी संख्या के महत्व को 10 गुना बढ़ा देता है। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को जन्म देकर महाकानन की सृष्टि कर सकता है, तो एक छोटा सा विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता। और इतना अच्छा विद्यार्थी, इतना शालीन विद्यार्थी, इतनी बुद्धिमान विद्यार्थिनी कन्या क्या नहीं कर सकती। वेदवती ने संकल्प किया शादी करूंगी तो भगवान से ही करूंगी, तो भगवान राम से उसकी शादी भले उस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में हुई। वेदवती ही सीता जी बनी, देवी भागवत की कथा है। तो ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। राजा भरतरी ने कहा, एके नापि ही शूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेण इव स्फुरास्फुरित तेजसा। जैसे एक सूर्य सारे जगत को अकेला प्रकाशित करता है, ऐसे ही अकेला मनुष्य भी बहुत कुछ कर सकता है, पर थोड़ा पुरुषार्थ करे, साधना करे। बांसुरी होते हैं ना, बांसुरी बंसी बजाने वाले बजाते हैं ना, तो केवल उसमें फूंक नहीं मारते, केवल फूंक मारने से नहीं बजेगी, उंगलियां घुमानी पड़ेगी युक्ति से वो भी, हाँ नहीं तो सुर ठीक नहीं आएगा। खाली फूंक मारने से नहीं बचती, उंगलियां घुमानी पड़ती हैं। ऐसे ही गुरु साधना बताएं पर हम विद्यार्थियों को, भाइयों को, बहनों को वो साधना करनी पड़ेगी तो कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने तो कहा, वही शूर है, वही बहादुर है, वही विद्वान है जो अपनी साधना के लिए कदम आगे रखता है। और उसके लिए पहले विफलता भी मिले तो घबराए नहीं। समुद्र मंथन अमृत पाने के लिए किया गया था, जहर पाने के लिए नहीं। पर जहर मिला तो वो लोग निराश नहीं हुए, करते रहे। 9 सद्गुण सुन गए थे, 10वां है महानुभावता। महानुभाव किसे कहते हैं, जिसने महान अनुभव किया उसको महानुभाव कहते हैं। तो हमको भले महान अनुभव नहीं हुआ पर महान अनुभव की दिशा में कदम तो रखें। जिन विद्यार्थियों ने सारस्वती मंत्र लिया है वो हाथ ऊपर करें। कितने विद्यार्थियों ने लिया है, बस हाथ नीचे करें। सारस्वती मंत्र जप करना चाहिए, पर विद्यार्थी एक प्रार्थना मैं आपसे करूं कि मंत्र की शक्ति पर श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। खाली ऐसे ही नाम मात्र का न जपे, मंत्र की शक्ति है, बड़ी अद्भुत है, और उसमें श्रद्धा बढ़ाना अपनी कि मुझे इससे लाभ जरूर होगा 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 होगा। असंख्य विद्यार्थियों को हुआ है तो और जो हैं उनको क्यों नहीं होगा। और मैंने तो पहले ही कहा कि हम विद्यार्थी भौतिकवादी सभ्यता की भद्दी नकल ना करें, महान भारतीय संस्कृति को अपने आचार में व्यक्त करें। और आप जैसे पवित्र विद्यार्थी अगर ठान लें, इतने विद्यार्थी जितने यहाँ बैठे हैं, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, इतने विद्यार्थी ठान लें ना तो दिल्ली का नक्शा तो बदल सकते हैं। जो चरित्रहीनता और विदेशी चैनलों के कारण कुसंस्कारिता बढ़ रही है ना, उस पर लगाम डाल सकते हैं। कैसे? रोज सुबह ध्यान में बैठें, अपने शुभ संकल्पों के किरण फेंकें कि सब चरित्रवान हो, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, भगवान सब युवाओं को सन्मति प्रदान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, सब तक गुरुदेव का ज्ञान पहुँचे, ऐसा मन में थोड़ा शुभ भाव करें और ध्यान प्राणायाम आसन आदि नियमित रूप से करें। बस अपने संपर्क में आने वालों को युवा धन सुरक्षा जैसी पुस्तक, भगवान नाम महिमा जैसी पुस्तक पढ़ने के लिए दें। और कभी भी कहीं भी अटके नहीं, दीर्घसूत्री विनश्यति, दीर्घसूत्री का विनाश होता है। दीर्घसूत्री माना थोड़े समय में होने वाले काम में ज़्यादा समय लगाए, उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। लगन से पढ़े तो 1 घंटे में हम पढ़ाई पूरी कर सकते हैं घर पे, और बिना लगन के पढ़ो तो 6 घंटे बैठकर पढ़ो तो भी याद नहीं होगा, पर लगन से 1 घंटा पढ़ो याद रह जाएगा, याद शक्ति बढ़िया होगी, पेपर अच्छे जाएंगे।
इसको बोलते हैं अदीर्घ सूत्री। और दीर्घ सूत्री 6 घंटे बैठा बैठा पढ़े, किसी का फोन आया तो फोन भी उठाए, चाय भी पिए, कॉफी भी पिए, मुंह जूठा रखे, ये दीर्घ सूत्री के लक्षण है। ऐसे नहीं बनना। वशिष्ठ जी ने कहा कि आलस्यम यदि न भवे जगत्यनर्थ को न स्याद बहु धन को बहु श्रुतोवा। अगर आलस्य रूपी अनर्थ इस संसार में न होता तो कौन निर्धन होता, सब धनवान होते। ये भगवान राम के गुरु बोलते हैं, कोई जैसा तैसा आदमी नहीं बोल रहा है। आलस्य रूपी अनर्थ अगर इस संसार में नहीं होता तो कौन धनवान नहीं होता, कौन विद्वान नहीं होता। इसलिए मेरी सभी के चरणों में प्रार्थना है, ये अवसर है, इसको जाने मत देना। शेख साधी पद यात्रा कर रहे थे अपने मित्रों के परिचितों के साथ, उन्होंने एक तीरंदाज अपने साथ में लिया था, तीर चलाने वाला, निशानेबाज पक्का, कि रास्ते में कोई लुटेरे मिले तो ये जरा उनको सबक सिखा सके। रास्ते में लुटेरे मिल गए, शेख सादी ने तीरंदाज को, तीर चलाने वाले को इशारा किया कि भाई तू कुछ कर, पर वो तो खाली धनुष बाण हाथ में लेकर ताकता रहा, बस देखता रहा, चलाता नहीं है, और उसका फायदा उठाया लुटेरों ने, सब कुछ लूट के भाग गए। बाद में शेख सादी ने फटकारा तीरंदाज को कि पागल कहीं का, वो लोग लूट रहे थे और तू तीर लेकर खड़ा था, चला नहीं सकता था तू, क्या तेरे तीर को, तेरे धनुष को और तेरी निशानेबाजी को धिक्कार है, समय पर तू काम न कर सका। तो वह तीरंदाज बोला कि क्या करूं, कोई आदमी ठीक निशाने पर आ ही नहीं रहा था। शेख सादी बोले पागल, वो ठीक निशाने पर आता कि तुझे ठीक निशाना लगाना था। बोले कोई आ ही नहीं रहा था ठीक निशाने पर, और कोई आता तो मैं सोचने लगा कि इसको तीर लगाऊं कि इसको तीर लगाऊं, पहले इसको मारूं पहले इसको लगा दूं, ये सोचने में ही मैं रह गया, सोचता रहा कि पहले किसे तीर मारूं। नहीं नहीं, सोचना थोड़ी है, अवसर की प्रतीक्षा नहीं है, प्रत्येक क्षण शुभ अवसर है, उसका सदुपयोग करें। पर हर क्षण शुभ मुहूर्त है अगर हम ठान लें तो। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि आप फूल चुनने के लिए रास्ते में रुको मत, आप आगे बढ़ो, आपके रास्ते में फूल खिलेंगे, सफलता के, सिद्धि के, सुख के, शांति के। मुझे कई साधकों ने बताया उनके मार्ग में कैसे कैसे फूल खिले, पर लोग ऐसे हैं, याद करते हैं पहले हमारे पास पैसा बहुत था, पहले हमारे पास गाड़ी बढ़िया थी, पर अब सब चला गया, क्या करें, लगता है किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया है। कैसी पागलपन की बात है, लगता है ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, कैसी बेहूदी बात लगती है। ये सब शब्द कायरों के मन की उपज है। कायर लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं हमारा भाग्य ठीक नहीं है। विद्यार्थी से मैं एक बात पूछूं, बोलो विद्यार्थी, पूछूं, अगर हमारा भाग्य ठीक नहीं होता तो हम ऐसी जगह पर आ पाते, बोलो बहनों, हमारा भाग्य अगर खराब होता तो हम ऐसी जगह पर आते, हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है इसलिए हम ऐसी जगह पर आ पाए हैं, और अभी बापूजी के दर्शन भी हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। फ्रांस के क्रांतिकारी साहित्यक विक्टर ह्यूगो ने कहा कि यदि भगवान ने मनुष्य को पीछे देखने या पीछे चलने के इरादे से बनाया होता तो भगवान ने आंखें आगे नहीं लगाई होती, पीछे लगाई होती, आंखें यहां पीछे लगी होती, पर आंखें यहां लगी है ना तो पीछे मत देखो, भूतकाल को याद मत करो, वर्तमान को संवार लें, वर्तमान ही भविष्य बनेगा, भूतकाल बनेगा। कैसे, अभी हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये समय हमारा पुण्य की पोथी में जमा हो रहा है तपस्या के रूप में, तो हमारा संचित अच्छा होता जा रहा है, एक एक मिनट, 8:30 बजे से हम बैठे, एक एक मिनट पुण्य की पोथी में जमा हो रहा, संचित अच्छा हुआ तो, संचित अच्छा तो प्रारब्ध अच्छा, बोलते ना किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो अभी हमारा अच्छा हो रहा है ना, समय सार्थक हो रहा है, तो प्रारब्ध भी अच्छा हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आनंद में रहने की जरूरत है और अपना जप ध्यान साधन भजन बढ़ाने की जरूरत है। महानुभावता। ग्यारहवां है नियमितता। नियमितता रखे, 5 बजे उठना है, उठना है, भले रात को 12 बजे सोए, 12:30 सोए, देर तक सोने वाले का भाग्य भी सोया रहता है, मैंने देखा है कईयों के जीवन में। नियमितता। 12वीं बात मित मधुर भाषण, मित कम बोलना और मधुर बोलना। 13वीं बात जीव दया, हर जीव पर दया, चलते समय देखते हुए चले, कोई चींटी मकोड़ा हमारे पैर के नीचे मर तो नहीं रहे हैं। कई लोग बैठे हैं, मच्छर काटते हैं तो मच्छर को भी मारते रहते हैं, ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे, यहाँ बैठा तो यूं मार देंगे, अपने को कोई थप्पड़ मार दे, बैठे हूँ अपन लगा दे कोई, तो कैसा लगेगा। जीव दया। अभक्ष्य भक्षण कोई करता हो, मांसाहार आदि, तो उसको भी सत्संग की सीख दी जाए, उसको भी सत्संग में लाया जाए। कईयों की ये बुरी आदत छूट गई मांसाहार करने की और शराब पीने की, छोड़नी नहीं पड़ी, गुरुदेव के सत्संग श्रवण से छूट गई, क्योंकि अंदर का सुख मिला ना, परमार्थिक सुख मिला। परमार्थिक सुख कोई अभ्यास करने से नहीं मिलता है, परमार्थिक सुख गुरु की कृपा से मिलता है, और परमार्थिक सुख मिला तो तुच्छ सुख का आकर्षण छूट जाता है, फिर मीरा की तरह होगा, भोगों की अब चाह नहीं है, कृपा भई गुरु वचनन की। तो 13वीं बात जीव दया, 14वीं बात शौर्य, ये सब करने में शौर्य वीरता। समझो किसी को आप कहो कि भाई फिल्म देखना छोड़ो, नहीं देखनी चाहिए, संस्कार बिगड़ते हैं, आंखों की रोशनी बिगड़ती है, वो बोले नहीं नहीं मैं तो छोड़ नहीं सकता, तो मरेगा तब क्या टीवी और केबल कनेक्शन साथ में लेके मरेगा क्या? हाँ बोलो विद्यार्थी, सब छूटेगा इधर ही, मरते मरते तो सब छोड़ते हैं जख मार के, जीते जी छोड़े वो वीर है, वो बहादुर है। शौर्य, जिसको फिल्म देखने की आदत हो ना, वो मन को सीख किताब पढ़े और इस गंदी आदत से अपने को बचाए, उतना समय ध्यान करे और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाए। वो महाराष्ट्र के बालक की बात भी मैं बताता हूँ, वो बालक जनार्दन स्वामी के चरणों में रहकर उनकी पूर्ण कृपा पाई और महान संत एकनाथ जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, महाराष्ट्र की महान विभूति संत एकनाथ। 12 साल की उम्र में कितना कष्ट भोगा, कितनी तपस्या की और फल कितना ऊंचा मिला। हनुमान जी को शुरुआत में कष्ट आए, सुरसा ने रास्ता रोका, सिंहिका ने रास्ता रोका, लंकिनी ने रोका, रावण के बेटे ने रोका, पर बाद में तो कोई विघ्न नहीं आया, सीधे राम जी के पास पहुंच गए, राक्षसों को मारा। तो भक्ति ध्यान उसमें शुरुआत में वो थोड़ा लगता है कठिन, पर अगर लगन लग जाए तो ध्यान में बैठना या ध्यान करना कठिन नहीं लगेगा, फिर तो बैठेंगे, उठने की इच्छा नहीं होगी। आज मैं सुबह जप कर रहा था, फिर थोड़ी देर मैंने बापू जी के ध्यान की कैसेट, उसका नाम है हृदय की दिव्य वाणी, वो मैं सुनते सुनते बैठा तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। हृदय की दिव्य वाणी एक कैसेट है, बहुत दिव्य, कई साधकों के घर पर होगी, जिन्होंने नहीं सुनी हो वो तो जरूर सुनो, बड़ा आनंद आएगा, भक्ति बढ़ेगी। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं चूकता नहीं हूं ध्यान की कैसेट सुनने में और उसका आधार लेकर ध्यान करने में, बड़ा आनंद। आप करके देखो, अगर आपको लाभ न हो तो जितना आपका समय गया कैसेट सुनने में या जितने पैसे गए कैसेट के खर्चने में, वो पैसे उससे दुगने पैसे और दुगना समय, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप करके देखो, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि झूठ है।